जैसे मान लेते हैं कि सिस्टम के पास इस वक्त 5000 ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल लेते हैं, सिस्टम क्लियर करना स्टार्ट किया, जैसे क्लियर किया पीछे और 500 और बढ़ गए, 1000 और बढ़ गए, तो बैकलॉग तो क्लियर नहीं हो रहा है। अब 5000 सिस्टम को पता, अब नया बैकलॉग कुछ भी आएगा ही नहीं, क्योंकि अब जो भी फीस दिया जाएगा वो 100% फीस देके क्लियर हो जाएगा, पीछे आगे कोई नहीं खड़ा होगा। अब ये 5000 को स्लॉट बाय स्लॉट क्लियर करते चले गया, एक टाइम आ जाएगा कि हाँ भाई ये 5000 क्लियर, अब जाके वो सिस्टम लागू कर देगा वो चीज कि भाई अब जो भी रिक्वेस्ट लगेगा या जो भी जाएगा, अब मैं उसे 3.75 दे सकता हूँ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन के पीछे, एवरी रिक्वेस्ट के पीछे, अब जाके वो सेटिस्फाई होगा। तो पहला सिस्टम को बैकलॉग क्लियर करे बिना सिस्टम स्टेबल हो ही नहीं पाएगा, ये है सिस्टम का कहना। 100% देके आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन जो फीस जो है जिन लोगों के लिए फीस है, तो वो बैकलॉग वाले लोग के लिए फीस है निकला हुआ, जो भी आप देख रहे हैं अभी 85 जो भी होगा सिस्टम के पास, वो अभी पिछले वाले लोग का है। तो वो सब क्लियर करने के बाद ही सब नए लोग को एक साथ मौका मिलेगा 3.75 यूज करने का। तो ये है अभी तक की सिचुएशन जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। yes. हमें तो खुश होना चाहिए कि सबसे पहले सिस्टम ने बैकलॉग का ध्यान दिया, जो कि जरूरी है, उसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं। थैंक यू सो मच शकीर सर। लास्ट में एक आपके बड़े भाई है डीटी इंडिया, डीटी कुछ शेयर करना चाहते हैं, और राम सर है वो भी कुछ शेयर करना। यस डीटी इंडिया, डीटी सर, डीटी इंडिया, डीटी सर, यस सर, नंबर एक डीटी इंडिया, डीटी सर, शायद सर का नेटवर्क का इश्यू है। मैनेजर राम सर कुछ शेयर करना चाहते हैं। यस सर, मारो मॉर्निंग, सब हमारे बड़े भाई शकीर भाई, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बोलने की क्या जरूरत है यार, नहीं, ये तो मेरा काम है। ये आप इतना अच्छा नॉलेज दे रहे ना, ये सिस्टम 4 दिन जरा देर से चलेगा, लेकिन नॉलेज मिलता है ना, ऐसा है। 8 दिन मैं सोया नहीं सर, ये नहीं कही, दम खाना कितना खाना दम, ये रोज। अरे मैं रियल में बोलूं, कल जो ट्वीट आया था ना, मीटिंग खत्म होने के बाद जो लास्ट में जो ट्वीट आया अपना विटालिक का कि इथेरियम 1 से इथेरियम 2 पे चालू हो गया है, प्रोसेसिंग हैपनिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है, वो सब कुछ देख के समझ के, तो मेरे को रात में मालूम है 5 बजे नींद आया, मेरे को नींद ही नहीं आ रहा है, तो सोच के ये दिन करीब आ गया एकदम। अपना जो तकलीफ है जो भी है चीज को लेकर या स्मूथनेस को लेकर, रियली बोलूं तो मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैं बोला क्यों नहीं नींद आ रहा मुझे, सोने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नींद नहीं आ रहा, नींद उड़ गई। सब जो कट्टर मारुड़ी ना सर, सबको नींद ही नहीं आने आ रही है ये 8 दिन में, ये सही बात है। और मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक होने वाला है 27 तारीख के बाद से, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई रुक भी नहीं पाएगा, सबको क्या दिखेगा, इन आउट हो रहा है, मेरा आ रहा है, ये हो रहा है, हाँ ठीक है भाई, मेरा हो गया, देख लेना भाई मेरे ऐसे ही हाथ पैर खुल चुके हैं, जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में चल रहे ना, सब में ऑटोमेटिक नेगेटिव वगैरह ये सब आना शुरू हो गया है उन लोग का ऑटोमेटिक, क्योंकि सबको मालूम है, जब अब सबको खबर भी पहुंच चुकी है कि ट्रिपल बीएससी बैक टू पवेलियन हो रहा है, क्योंकि जो उसका रोड़ा था वो रोड़ा निकाल दिया, और ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये जो चीज आई है ना ये लाइफ टाइम के लिए, इन फ्यूचर कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आया, ऐसा तो आएगा नहीं, उम्मीद है कि नहीं आएगा, अब की बात 2.0 का जो काम हो रहा है, फिर भी अगर आया तो ये इम्प्लीमेंटेशन तुरंत हो जाएगा, सिस्टम अब कभी नहीं रुकेगा। भाई ठीक है, मुझे गैसेस देने नहीं हो रहा है, ये लो भाई आप लोग भी दे दो, जहाँ गैसेस नॉर्मल होगा भाई आप लोग मत दो, मैं ही दे रहा हूँ, ऐसा होगा काम, समझे। यस थैंक यू सो मच डीटी इंडिया, डीटी सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा शेयरिंग किया। मैनेजर राम सर कुछ शेयर करना चाहते हैं, मैनेजर पीडी सर कुछ बात करना चाहते हैं क्या, वॉलंटियर में से लेना है, क्योंकि बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ऐसा सिचुएशन। यस सर, दे दनादन सर, यस सर, दे दनादन सर, मोरो मॉर्निंग, यस सर,
और मॉर्निंग दे दरा दर सबसे पहले इस जूम स्पेशल जूम मीटिंग में आए सभी परिंदों को मैनेजर राम का तहे दिल से नमस्कार। परिंदा इसलिए बोला है कि परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमान की। जो रखते हौसला आसमान को छूने का, उसे नहीं डर होता है डर नीचे गिर जाने का। दुनिया में तो हर एक चीज ठोकर खाने से टूटती है बिखरती है, सिर्फ एक चीज है कामयाबी जो ठोकर खा खा के मिलती। इसलिए बोलता हूँ कि ट्रिपल एम बी एस सी के ओरिजिनल मारोडी ने एक कंजेक्शन के पीरियड में बहुत सारी ठोकर खाई है, लेकिन अभी साकिर सर बोल रहे हैं ना, रात में भी गैस फीस एकदम निग्लिजिबल हो सकती है, यस गारंटेड हो सकती है। और ट्रिपल एम का फॉर्मूला भी आया है और ट्रिपल एम बी एस सी के ओरिजिनल ग्रुप के साथ आज मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हमारा मीटिंग हो रहा है, तो बहुत पॉजिटिव। यस, तो ये सब साइन बहुत पॉजिटिव साइंस है और इससे लेकर हम बहुत बड़ा कारवा करने ही वाले हैं, क्योंकि जब कुछ पॉजिटिव होने वाला लगता है उसका वाइब्रेशन थोड़ा थोड़ा आने लगता है, वो वाइब्रेशन आज हमें दिखाई दिया और ये वाइब्रेशन गारंटेड इतना पॉजिटिवली आगे लेके जाएगा कि 27 तारीख के बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी को। नहीं, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार रहा आज का सेशन और शाकिर भाई बहुत सारे आइडियाज हमें समझाते हैं, तो बहुत धन्यवाद सब गुरु लोगों के लिए और बहुत धन्यवाद सब मैनेजर के लिए। आज तक पैक्सस का बारिश हो रहा था, मुझे लगता है ये कंजेक्शन दूर होने के बाद इतना नॉलेज आया लोगों के पास, मैं बोलता हूँ ट्रिपल एम में मैनेजर का बारिश होने से। अभी गुरु गुरु से एक और बात मुझे याद आया, यस, जो मुझे समझ में आ रहा है, ना आप गुरु ना मैं गुरु, कोई गुरु नहीं है भाई, सब बराबर है। जूम मीटिंग में जितना भी हुआ है, जितना भी नॉलेज अभी शेयर किया गया है, आप सबको खुद गुरु बनना है, क्योंकि आप अपनी टीम के लिए खुद गुरु हैं। आपको जवाब देना है हर वक्त, इसाक सर या मैं या रिजवान सर या विकास सर या जितने भी लोग, वो हर बार नहीं आने वाले, क्योंकि एक बार ये लॉकडाउन खुला ना, कौन कहाँ रहेगा किधर रहेगा पता नहीं। जूम मीटिंग का गारंटी मैं नहीं देने वाला, यस, क्योंकि सब अपने अपने में बिजी रहने वाले, खुद में गुरु बन जाओ, करेक्ट, खुद में गुरु बन जाओ, खुद में समझने की कोशिश करो, यस सर, इंडिपेंडेंट शुरू हो जाओ। बहुत सही बोले, बहुत सही बोले साकिब सर, आपने हर एक टीम के लिए गुरु तो बनेंगे ही, लेकिन बोला जाता है कॉलेज का टीचर हो स्कूल का टीचर हो कभी कभी याद नहीं रहता, लेकिन जिसने ए बी सी डी सिखाया वो टीचर हमेशा याद रहता है, और वो ए बी सी डी सिखाने वाले साकिर सर है, ब्लॉक से ये हमेशा याद रहेगा। और सबसे 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 बड़ी बात बताता हूँ साकिर सर, सबसे बड़ी बात बताओ, मुश्किल घड़ी में जो साथ होता है ना, वही बहुत बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बाकी कुछ नहीं है। और आप कभी भी, आपने कभी भी ऐसा नहीं किया, अरे वक्त क्या है, कितना टाइम हो गया, कभी भी नहीं, आपका तो खत्म ही नहीं होता, आपका अंधेरों में चिराग बन के सामने आए, अंधेरों में, अंधेरे में दिए जलाए आपने, और देखिए अब उजाला उजाला बहुत, रात रात जितनी काली होती है सुबह उतनी नजदीक होती है। अभी सुबह होने को है और देखिए 27 तारीख से क्या धमाका होगा, और हर एक के लफ्ज में रहेगा शाकिर सर, क्योंकि शाकिर सर है या मारोजी सर, हमारे इसाक सर तो क्या, और आप भी, तो ये आपने जो ये कंटिन्यूटी रखी है, कंसिस्टेंसी रखी है ना, दिस विल क्रिएट द मिरेकल, डेफिनेटली आई बिलीव इन दैट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, चीजों को समझना, चीजों को ढूंढना, कैसे क्या समझना है, कहाँ जाना है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इतना तो सब समझ चुके हैं कि कैसे क्या करना है। खुद के गुरु खुद बन जाओ, आपको आगे से खुद की टीम खुद संभालनी है, मैं ये समझा रहा हूँ, नॉलेजेबल बन जाओ हर कोई। यस सर, क्योंकि क्योंकि 27 तारीख के बाद तो ऐसे फुर्सत तो रहेगा नहीं ज्यादा, क्योंकि सब अपने अपने में ही हो जाएंगे, क्योंकि ये करना है वो करना है ऐसे करना वैसे करना है, और लॉकडाउन का भी भाई कोई भरोसा नहीं है, कभी भी अनाउंसमेंट हो जाए लॉकडाउन खत्म, सब लोग अपने अपने काम पे वापस आ जाओ, क्योंकि कर्नाटक के गवर्नमेंट ने बोल दिया है लॉकडाउन कुछ नहीं है, सब लोग अपने अपने काम पे आ जाओ, समझे।
ये कभी भी हो जाएगा, फिर कहाँ कौन भागेगा कैसे जाएगा, फिर